वैसे अपना दोस्तों मैं आपको अराइवल के साथ साथ अपना दोस्तों मैं ट्रेन का डिपार्चर भी दिखाऊंगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं वैसे दोस्तों मैंने अपना मोगा से लेके फिरोजपुर कैंट तक की भी कंप्लीट जर्नी की हुई है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर कार्ड पे दे दूंगा, वो भी आप चाहे तो मेरी चेक कर सकते हैं वीडियो। और अभी अपना वैसे दोस्तों रात होने वाली है तो इसी वजह से थोड़ी सी अपना दोस्तों क्लैरिटी पर फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा। और जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं हम अपना दोस्तों अब अराइवल ले रहे हैं, और हम वैसे अपना दोस्तों मोगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइवल ले रहे हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं हम अपना दोस्तों मोगा रेलवे स्टेशन पर अराइवल ले रहे हैं, और वैसे दोस्तों मैंने अपना मोगा रेलवे स्टेशन का भी ओवरव्यू किया, उसका लिंक भी आपको ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा, वो भी आप चाहे तो मेरी एक बारी वीडियो चाहे तो चेक कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों अब जब ट्रेन डिपार्चर लेने वाली होगी तब मैं आपको अब दिखाऊँगा। सो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपना दोस्तों मोगा रेलवे स्टेशन से अब चल पड़े हैं, और हम अपना दोस्तों हम मोगा रेलवे स्टेशन से अब डिपार्चर ले रहे हैं। यहाँ से भी आप जैसा कि दोस्तों ये देख सकते हैं मोगा, और वैसे दोस्तों जहाँ तक मुझे अपना याद है मैंने अपना दोस्तों 54052 फिरोजपुर कैंट टू लुधियाना पैसेंजर ट्रेन उसका मैंने अपना दोस्तों उसका भी मैंने मोगा रेलवे स्टेशन से अपना मैंने दोस्तों अपना डिपार्चर दिखाया था, उस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर कार्ड पे मिल जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं मोगा रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया, और ये आप सामने से जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों एक ब्रिज है, और वैसे दोस्तों मैंने अपना इसी ट्रेन का 04488 का मैंने अपना दोस्तों तलवंडी रेलवे स्टेशन से भी मैंने अपना दोस्तों अराइवल और डिपार्चर दिखाया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको ऊपर कार्ड पे दे देता हूँ। और दोस्तों अब इसी के साथ अब मैं ये वाला वीडियो अभी यहीं पे अब बंद करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो ये मेरा इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें,